तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि और गेट का लॉजिक वेरिफिकेशन। और गेट में क्या रूल होता है, जरा पेन से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर और गेट की जो आईसी है 7432, ये आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ पर। ये आईसी देखिए 7432, तो ये और गेट की आईसी है। तो इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे लॉजिक गेट का। तो इसमें और गेट में क्या होता है, एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रुथ टेबल, इस पे आ जाओ। देखिए और गेट के लिए, और गेट का सिंबल कैसे होता है, इस प्रकार से आप बनाएंगे और गेट का सिंबल, टू इनपुट और गेट, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन ए प्लस बी लिखा जाता है। अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो ए और बी, इस प्रकार से हम आउटपुट और इनपुट लिख सकते हैं। तो 0 0 पर 0 आउटपुट, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पर हाई। तो ये आपको लॉजिक मिलेंगे। तो इस तरीके से अभी हम इसमें, अगर हम आईसी 7432 की बात करें तो 7432 के अंदर मैं एक गेट इसमें कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ आईसी 7432 का। ये और गेट आईसी 7 पिन आईसी होती है, तो 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबरिंग जो है यहाँ से, यहाँ पर नॉच बना हुआ मिलेगा आपको, डॉट पर निशान मिलेगा, यहाँ पर 7432 लिखा होगा। तो अभी मैं यहाँ इसको बाहर लिख दिया हूँ। यहाँ पर और गेट इस प्रकार से कनेक्टिविटी रहती है, 1 और 2 से इनपुट देते हैं पहले और गेट में, और पहले और गेट का आउटपुट जो है वो 3 नंबर पिन से लिया जाता है। तो 1 और 2 और 3, फिर 4 5 6। तो यहाँ पर इस प्रकार से और गेट ये आउटपुट, 4 और 5 पर इनपुट और 6 से आउटपुट। 7 को हम ग्राउंड से जोड़ते हैं और वीसीसी को 14 नंबर पिन, 14 नंबर पिन को वीसीसी से जोड़ते हैं। अब ये है 7, तो 8 9 10 11 12 13 और ये 14 नंबर आईसी। तो यहाँ पर इस प्रकार से और गेट बना दीजिए, 9 और 10 पर इनपुट, 8 पर आउटपुट, 10 और 13 पर इनपुट, और वो 12 और 13 पर इनपुट और 11 पर आउटपुट। तो हम इस कोई सा गेट ले लेते हैं, उसको वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। तो आइए ब्रेडबोर्ड पर आते हैं। ब्रेडबोर्ड पर सबसे पहले आपको पावर सप्लाई जोड़नी है। तो पावर सप्लाई हमें ये 14 नंबर पिन से ग्राउंड, अभी इसको हम स्विच ऑफ कर लेते हैं पहले। 14 नंबर पिन से ग्राउंड, 14 नंबर पिन पर वीसीसी जोड़ देते हैं, और 7 नंबर पिन पर ग्राउंड जोड़ देते हैं। टू वन और टू पर इनपुट हमें लगाना है, तो एक इनपुट ये लगा दिया मैंने, दूसरा इनपुट इसको थोड़ा सा अंदर जोड़ लेते हैं, 1 2 पर लग गया। तो D0 और D1 पर इनपुट इस प्रकार से हम जोड़ लेते हैं, और 3 पर एक आउटपुट जोड़ लेते हैं, 1 नंबर या 0 नंबर, जो भी LED आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो ये D0 और D1 पर इनपुट जोड़ा हमने। अभी मेरे पावर सप्लाई यहाँ पर थोड़ा सा लूज कनेक्शन है, तो कनेक्शन अगर लूज होंगे तो आउटपुट आपका ठीक से नहीं आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये 7 नंबर से और ये ग्राउंड को, ठीक है। यहाँ पर अब हमें आउटपुट देखना है, तो हम पावर ऑन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, अब ये
अभी हमारा 1 1 यहाँ पर इनपुट अगर आप देखें तो इनपुट दोनों 1 और 1 पोजीशन पर है। ये जो है ऊपर वाला ऊपर के साइड में 1 नंबर पोजीशन और नीचे की साइड में 0 नंबर पोजीशन पर। तो अगर हम ये क्योंकि और गेट है, अब हमने चेंज किया लॉजिक, डी 1 नंबर इनपुट को हमने एक इनपुट 1 पर और एक इनपुट 0 पर रखा तो भी आउटपुट हाई मिल रहा है। अगर हम इसका इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, दूसरा है, पहला इनपुट हमने 0 पर कर दिया, दूसरा 1 पर कर दिया, तब भी हम अगर आउटपुट देखें तो यहाँ रेड एलईडी जल रही है, यानी कि हाई मिल रहा है। जब दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे तो अब आप देखिए एलईडी ग्रीन जल रही है, इसका मतलब लॉजिक लो हो गया है। तो लो लॉजिक पर ग्रीन एलईडी और हाई लॉजिक पर रेड एलईडी जलती है। तो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, 0 0 लॉजिक है, ठीक है, और ये 0 1 0 1 पर हाई। अब 1 0 की बात करते हैं, 1 1 और 0 ये हाई पर कर रखा है, ये लो पर कर रखा है, तो 1 और 0 1 0 पर हाई और 1 1 पर अब दोनों हाई कर दिए मैंने, तो आउटपुट आपको हाई मिल रहा है, 0 0 पर आपको आउटपुट लो रहेगा। तो ये आपको और गेट का लॉजिक, एक गेट हमने वेरीफाई किया है, इसी प्रकार से इस आईसी के अंदर बाकी जो 3 गेट रह गए हैं उनको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।